पंजाब दे विच हड़ ने स्थिति नूं काफ़ी खराब किया हुआ है। हरियाणा सरकार ने भी 12 जिलों अंबाला फतेहाबाद फरीदाबाद कुरुक्षेत्र कैथल करनाल पंचकूला पानीपत पलवल सोनीपत सिरसा और यमुना नगर में हड़ प्रभावित ऐलान कर दिता है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि हरियाणा सरकार हड़ राहत लिए हिमाचल सीएम राहत फंड 5 करोड़ रुपए की सहायता का योगदान देगी। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार सूबे में पिछले दिनों हुई भारी बरसात के कारण प्रभावित इलाकों के लोगों को आर्थिक और मैडिकल सहायता समेत हर संभव मदद प्रदान कर रही है। हरियाणा सरकार ने जिवें दस्सिया कि 12 जिलों का नाम अंबाला फतेहाबाद फरीदाबाद कुरुक्षेत्र कैथल करनाल पंचकूला पानीपत पलवल सोनीपत सिरसा और यमुनानगर में हड़ प्रभावित ऐलान किया है। उत्थे 1353 पिंड 4 MC खेतर बरसात के हड़ नाल प्रभावित दसे जा रहे हैं। हड़ प्रभावित खेतर तो लगभग 6629 व्यक्तियों को कढ़िया गया, हाले भी प्रशासन का रेस्क्यू जारी है। हुण तक हड़ कारण 35 लोगों की मौत हो गई है। मृतक के परिवारों को हरियाणा सरकार ने 4-4 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया है। सीएम खट्टर ने कहा कि 8 से 12 जुलाई दौरान सूबे में 110 mm बरसात हुई सी, जो कि आम 28.4 mm का 387% है। यमुनानगर में आम बरसात 32.8 mm, कुरुक्षेत्र 32.9 mm, पंचकूला 53 mm और अंबाला 58.5 mm होंगी सी। जबकि इस बार इन चार जिलों में क्रमवार आम बरसात का 842, 814, 699 और 514% बरसात हुई है। हरियाणा के ज़्यादातर हिस्सों के नाल नाल गुआंढी सूबे हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड और पंजाब में भी बहुत भारी बरसात हुई है। इस दे नाल सूबे दे विच हड़ वर्गे हालात पैदा हो गए तो आम स्थिति बिगड़ गई, जनजीवन पूरी तरह के नाल प्रभावित हो गया। विरोधी वालों लगाए गए दोषों का खंडन करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि विरोधी वालों ये बयान देना कि नदियों में वाधे खनन के कारण राज में हड़ की स्थिति पैदा हुई है, इस तरह के बयान तर्कहीण ने, क्योंकि हड़ और खनन का कोई संबंध नहीं है। उन्होंने कहा कि खनन योजना अनुसार नदी तलां में वाधे खनन तो नदियों की जल ग्रहण समर्था में वाधा हो सकता है, हेठले इलाकों में हड़ को रोकने में मदद मिल सकती है, क्योंकि खनन प्रक्रिया में वाधे जमा गाद को हटा दिया जाता है। Subscribe to One India channel and never miss an update.